हाय, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज लकीब के। तो जैसे कि आपको थंबनेल देखते हो, टाइटल पर पता चल भी गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आज से कुछ दिन पहले गया था, पाँच सात दिन पहले नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में। तो इट वॉज रियली फन, और फन के साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। म्यूजियम है, बहुत मज़े का म्यूजियम है। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन आएगी और आगे मजीद अच्छी अच्छी वीडियो बना के अपलोड कर रहूँगा। बाकी मुझे जितना पता है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं अपना आपको साथ में बताता चलूँगा। बाकी आप खुद देख लीजिएगा अगर कैसा है। तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करता और चलते ही चलते वीडियो की तरफ। फाइनली वी आर हेयर एट नेशनल म्यूजियम इन कतर। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अट्रैक्टिव शेप बनाई गई है। इसका जो शेप है वो एक डेजर्ट में आता है, रोज़ क्रिस्टल टाइप उसके जैसा बनाया गया है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी जाते हैं इंटरेस्ट की तरफ और इंटरेस्ट देखते हैं कहाँ पर है। वो इंटर हो के बाकी सीन आपको अंदर के चेक करवाते हैं कि अंदर से सब कैसा है और क्या सीन है। बहुत सुना है इसके बारे में कि बहुत अच्छा। तो ये मेन इंट्रेंस है, लेकिन ये इमारत की इंट्रेंस है, म्यूज़ियम के अंदर की इंट्रेंस नहीं है। और जैसे ये इन्होंने बहुत दिलचस्प चीज़ें बनाई हुई है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेजर्ट में रोज़ क्रिस्टल आता है उसके टाइप का है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। और ये बिल्डिंग बनाई थी जो नेवल, आई थिंक फ्रांस का एक था वो जो इंजीनियर, उसने बनाई है। और इस चीज़ का उसे इनाम भी मिला है। तो ये अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल एक बुलबुलैया जैसी। तो ये इसमें इसके बीच का कुछ नज़ारा है, अभी आप जैसे कि देख ही सकते हो, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है। भी जाते हैं इसके अंदर भी जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक सीन है काफ़ी ऊपर, तो वो देखते हैं। और यहाँ पे ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये पैलेस है, ये वाला जो पैलेस है, ये यहाँ का जो इनका 19वीं सदी का प्रेसिडेंट था ना, शेख अब्दुल्ला नाम था उसका, तो उसका पैलेस है। और इसी के इर्द गिर्द ये सारा बनाया गया है जो है म्यूज़ियम। तो यहाँ पे ये लावी टाइप बनाया गया है, यहाँ पे आप सीन चेक करते हो, ये कार्निश की रोड है। और इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये शिप्स जो अभी आए हैं कतर के लिए, तो ये शिप्स भी देख सकते हो आप। और एक कार्निश है साइड पे, और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्टेडियम, 974 स्टेडियम है जो यहाँ पे। तो मौसम में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी अच्छा है, तो हमने तस्वीरें वगैरह तो ले ली हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं। अभी जैसे आसमान भी देखो यार, कितना प्यारा हो रहा है। सीरियसली यहाँ से तो अभी जाने का दिल नहीं कर रहा। ये तो जैसे वो गोल्डन चांस होता है ना, गोल्डन चांस वैसा हो गया बिल्कुल। छुट्टी भी आज और इतना प्यारा मौसम, और इसके अलावा हम म्यूजियम में आए हैं, तो बहुत ही मज़े का। ठंडी भी हवा भी चल रही है। हाँ, ठंडी हवा भी चल रही है हल्की हल्की। तो अभी जा रहे हैं इंटरेस्ट की तरफ, तो अंदर का सीन दिखा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त है। ये जाफर भाई हैं हमारे कोटला से, ये मेरे साथ में और ये इधर बस ठंडी हवाएं चलती है, उस हिसाब से सर्दी नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होती है। हाँ, ठंड तो नहीं है इतनी, लेकिन ये मौसम काफ़ी बेहतर है। इनको नहीं लगती भाई, ये जवान आदमी देगा टी शर्ट पहनी हुई। मैंने तो टी शर्ट के ऊपर शर्ट भी डाली हुई, क्योंकि मुझे लगती है थोड़ी। बाकी भी इंटर होते हैं और देखते हैं अंदर जाके क्या है। मैंने वीडियो वगैरह चेक की थी तो उससे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी अभी खुद अपनी आँखों से एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्रेशन देखते हैं कि भाई क्या है या क्या नहीं। तो ये म्यूज़ियम की मेन एंट्रेंस है, तो ये दो फ्लोर पे मुश्तमिल है, एक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। तो अभी हम टिकट चेक करवा रहे हैं अपनी, तो उसके बाद मिलते हैं आपको।
तो यहाँ पे एक और चीज़ जिस भी मतलब यहाँ पे 6-7 कैरेज हैं, तो जिस कैरेज में जाओ वो जिस लिहाज से मतलब वहाँ पे एनिमल्स हैं या जो स्पीसीज हैं जो रेगिस्तान है, तो इसका ये है कि बिल्कुल वहाँ की स्मेल, वहाँ का टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर और आवाज़ साउंड बिल्कुल सेम वैसे आपका ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल उसी वक्त टाइम में उसी वक्त पे घूम रहे हो, तो ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है। बाकी इनकी डिटेल और नाम यहाँ पे सब आपको पता चल जाता है अगर जानने हो तो। ये चीज़ तो देखी होगी आपने, मैंने भी देखा है, बहुत गंदी लगती है मुझे ये तो। बाकी ये इन्होंने सब लगाए हुए देख लो, कितने छोटे से छोटी मक्खी का, हर मक्खी का साइज, ये बटरफ्लाई, और ये अमेजिंग है यार, बहुत बहुत ही अमेजिंग है। और मशके और ये ऊँटों पर डालने वाले और घोड़ों पर डालने वाले जो होते हैं वो, और ये ऊँट पे रख के, आई थिंक ये ऊँट पे रखते हैं, ये जो बड़ा है ये ऊँट पे रखते थे आई थिंक, जैसे ये है ऊँटों पे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और ये फिर से मर्तबान वगैरह, ये मशके वगैरह, ये औरतों के वो सामान बनाने का ये सारा रखा हुआ इन्होंने। और यहाँ पे ये हैं जैसे चीज़ें, ये वो चाय वगैरह, चैनक बोलते हैं हम तो, आपका पता नहीं, तो ये हैं ये चीज़ें, ये अकाब है जैसे, ये वो अकाब का और वो करते थे ना शिकार, तो ये चीज़ें हैं जैसे, ये हाथ पे डाल के और वो ग्लव्स वगैरह पहन के लोग आपका शिकार हो जाए, एक आपके पर वगैरह भी रखे हुए साइड, ये जब शिकार करते थे तो उनको झांसा देने के लिए। हल्की हल्की खांसी लगी हुई, पानी भी हम बाहर जमा करवाए हैं तो भी गला भी थोड़ा, ये उनके ये देख लो, तो ये है उनकी आंखों के ऊपर डालने के लिए, और ये देख लो, और एक में और चीज़ पे आ रही जैसे ये है यार, सीरियसली इनका सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तो मैं शायद आपको दिखाता हूँ, शायद आपको भी आवाज़ आए या अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो। ये देखो जैसे ये अभी माहौल है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हवा, और ये बिल्कुल सेम ऐसा लगता है एग्जैक्ट वहीं जगह पे खड़े हो, और वो आप फील कर सकते हो यहाँ पे आके ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लगता है आप उसी दौर में हो और वही कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ औरतों हैं जो वो पुराने लिबास हैं ना इनके औरतों के, या इनके अपने जो मर्दों के थे वो पुराने लिबास इनके, वो भी दिखाता हूँ। तो ये ऐसा था कुछ, एक ये सूट है, ये मुझे इसका समझ आया, ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है ये, क्यों डालते होंगे या किस लिए होगा ये वाला। बाकी ये देखिए, और ये कमाल, और यहाँ पे नशिस्तें भी दी हुई हैं भाई, अगर आपको बैठ के इनका ये देखना है पूरा ये जो फिल्म बनाई हुई है इन्होंने, तो आप वो भी देख सकते हैं आराम से। और इस साइड पे चलते हैं थोड़ा, ये इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है केबन टाइप, लेकिन बोट का जैसे ये होता है ना, जैसे बोट, ये डिज़ाइन इनका बोट के लिए बनाया गया है बिल्कुल, ये आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, बहुत इम्प्रेसिव है भाई। ये फिशेज देखो, खानी है तो खा लो, अभी बना के रखी हैं।
यार यहाँ पे जो साउंड प्रूफिंग है और ये जो इन्होंने अपना दिखाया है यार सीरियसली बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे जितनी भी जो भी प्रोडक्ट्स मतलब उस वक्त की जो इन्होंने अपनी सकाफत की चीजें रखी हैं, फॉसिल्स वगैरह जो मिले हैं पुराने वो संभाल के रखे हैं, अपनी सकाफत उस हिसाब से इन्होंने उसी को चीज को भी प्रोजेक्टर पे भी डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और फील ही नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल जैसे अभी हम वहीं पे खड़े हैं और सही से फील। अगर वो लड़की लकड़ियां तोड़ रही है तो उसकी अगर ऊंट घास चर रहे हैं तो बिल्कुल सेम भाई आवाज से आवाज आती है, आप फील करें तो ऐसे लगता है कि आप वैसे उसी माहौल में हो, क्योंकि इससे आपको इनकी सकाफत का पता चलता है, जैसे सकाफत का पता चलता है बहुत ज्यादा। ये नक्शा है स्टार्टिंग में, ये असल में मैंने देखा भी हुआ है जब हम जाते हैं ना वहाँ पे ड्यूटी भी अलखोर में, ये मैंने देखी भी हुई है इनके ये घर पुराने। कभी मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं ये एक्सप्लोर करूँगा, कभी मुझे टाइम मिला तो। बाकी ये चीज़ है ये यहाँ पे है, ये सही में है तो ये अभी भी रियलिटी में मौजूद है, ये चीज़ अभी रियलिटी में है, हमने सही लाइव में देखा है, तो आपको किसी दिन दिखाएंगे। और ये इस तरह की जो मस्जिद वगैरह जो किस हिसाब से जो स्केच वगैरह बनाए हुए हैं, और ये देखें इनके जो हाँ ये औजार, ये कुल्हाड़ी जैसे और ये और चीज़ें वगैरह जो है ये हैं, और ये बोर्ड की जो पुरानी बोर्ड्स वगैरह के नक्शे वगैरह इन्होंने यहाँ पे लगाए, और यहाँ पे तो ये जलबट आई थिंक देखा वीडियो में। अभी ये मैं आपको साथ में बता तो रहा हूँ दिखा रहा हूँ, लेकिन हम खुद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है। मैं भी चुप कर रहा हूँ, आप फील कीजिएगा इस चीज़ को न। हाँ ये मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, ये देखिएगा आप फुल चेक करिए, ये जो प्रोजेक्टर यार जो साउंड प्रूफिंग और ये जो किया है ना सीरियसली कमाल है। वो इतनी डरावनी आवाज़ डर लगने लग जाता है यार, वाह ये देखो पुराने बोर्ड में भाई नमाज का टाइम नमाज का है, और ये कुछ उन्होंने रखे हुए हैं बोर्ड्स के डिज़ाइन भी रखे हुए हैं यहाँ पे जैसे बोर्ड्स होती थी पुरानी। ये ड्रेसेस ये फिर से ड्रेसेस वो है, ये जेवरात हैं इनके जो पुराने होते थे, और ड्रेसेस जुलिस वगैरह जफर भाई ये रेड वाला बहुत प्यारा है यार, बाकी ये ड्रेसेस हैं सारे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ये है मर्दों के औरतों के जैसे भी ड्रेस हैं, और ये औरतों के जेवरात वगैरह भी, और ये निकाब और जो जैसा पुराना था जे अबाया जैसे पुराने अबाया थे तो ये सब, और ये इन्होंने नीचे बताया भी हुआ है, लेकिन अभी यार अगर पढ़ेंगे तो सारा दिन यहीं पे जाएंगे। और ये ढोलक वगैरह और ये तलवार, यहाँ पे ये ताज है बहुत ही, ये ओल्ड लगते तो नहीं है, बहुत ही पुरानी शेप है इनके भी, डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं इनके भी, ये उस वक्त के ताज है लेडीज ताज क्वीन के, जो क्वीन होती होगी ना उसके, ये भी हार वगैरह, तो ये इनके पुराने हथियार ये तलवारें, और ये रेफल्स भी हैं भाई काफ़ी हैं हर किस्म की, वाह ये रेफल जो पुराने दौर में आए थे ऐसी थी। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये पुराने टेलीविज़न रेडियोस और ये आई थिंक वो एल्बम सॉन्ग म्यूज़िक के लिए, और ये फैंस वगैरह होते थे पुराने, मशीन है और ये टाइपराइटर, और ये पोस्ट बॉक्स होता है, ये आई थिंक लालटेन जो होती थी पुराने ज़माने में, ये वो है, हाँ यही है।
मैं पे, जैसे जैसे ये रेवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे ये बढ़ता गया। तो ये फुल मैप ऑफ कतर है, और इसके अलावा ये यहाँ पे हर किस्म का बाजार है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये इन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मतलब अभी ये यहाँ पे है, अभी अब किसी भी यहाँ से मुझे देखनी है लाइक ये वाली चीज़, इसे टच करूँगा तो बड़ी हो जाएगी। ये एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो मतलब किसी भी चीज़ को देखना है, किसी जानना है तो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो उसके बारे में। ये बहुत इम्प्रेसिव है। तो भाई काफ़ी अभी काफ़ी है, एक जो पोर्शन हमारे पीछे छूट भी गया है, एक दो पोर्शन, बहुत सारी गैलरीज हैं इसकी। अभी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, लेकिन पता नहीं अभी सारी हो पाई या नहीं। बाकी ये अभी एग्जिट कर लिया, लेकिन हमने ना मेन इंट्रेस पे रखा था अपना सामान, तो वहाँ से भी वो कलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, और बस सामान लेते हैं और फिर चलते हैं वापस। पोर्शन, ये पोर्शन हमसे छूट गया था, लेकिन अभी ये एग्जिट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे गाड़ियाँ वाला, बाकी तो तकरीबन सारा एक्सप्लोर कर लिया था। ये बैग ले लिया, अभी रात में कुछ ऐसा सीन है, शायद आपको नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा। तो मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुके हैं अभी, ये नज़दीक है, इतना दूर नहीं है मेट्रो स्टेशन, तो अभी बस जाते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।